हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम दो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 कवर करने जा रहे हैं जो हमने 12/5/2022 के एग्जाम से लिए हैं। ये दोनों आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 इंडिया में पूछे गए हैं। हमारा पहला राइटिंग टास्क 2 है मॉर्निंग स्लॉट से, उसके बाद दोस्तों हम डील करेंगे इवनिंग वाले ऐसे से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई वुड लाइक टू क्लियर फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको टीच करेंगे हाउ यू कैन राइट योर आंसर। राइट, इंट्रोडक्शन हमने हर राइटिंग टास्क 2 का लिखा है। सेकंड थिंग, इस वीडियो के आखिरी में हम अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करेंगे जिस पे आप अपना राइटिंग सैंपल लिखकर सेंड कर सकते हो। एवेल्युएशन रिपोर्ट हम आपको आपकी ईमेल पे सेंड कर देंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं मॉर्निंग स्लॉट वाले ऐसे की। यह ऐसे मॉर्निंग में पूछा गया है और इसकी जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो क्या है, यू कैन रीड दैट। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल डू रिसर्च फॉर फैमिली हिस्ट्री। सम पीपल थिंक दैट लुकिंग फॉर प्रीवियस जनरेशन इज अ यूजफुल थिंग, बट अदर्स थिंक दैट इट इज बेटर टू फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे दो बातें हुई हैं। पहला ये है कि कुछ लोग हैं जो फैमिली हिस्ट्री को सर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपने इन दोनों बातों पर लिखना है और फिर अपने खुद के ओपिनियन देने हैं। यहाँ पे देखिए, गिव योर ओपिनियन, पहली बात आपको खुद के ओपिनियन देने हैं। सेकंड क्या, और यहाँ पे डिस्कस बोथ व्यूज। पहला व्यू क्या है, ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फैमिली जो उनकी फैमिली हिस्ट्री है अपने पास्ट के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में, फोर फादर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक यूजफुल थिंग है, ये कहीं ना कहीं उनको काम आ सकती है जब वो पास्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन पे ही फोकस किया जाना चाहिए, कि वो प्रेजेंट जनरेशन पे फोकस करें, फ्यूचर जनरेशन पे फोकस करें। इन दोनों बातों पर आपको अपने विचार प्रकट करने, यू हैव टू राइट अबाउट बोथ व्यूज। देखिए दोस्तों, इन दोनों बातों के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यू चाहे कोई भी हो, आप ये मान सकते हो कि मैं नहीं मानता कि लोगों को पास्ट के बारे में सर्च करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में लिखना जरूर पड़ेगा आपको। क्यों नहीं मानते वो आप अपने विचार प्रेजेंट कीजिए। इफ यू थिंक दैट इट इज अ यूजफुल थिंग, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, इट इज ट्रू दैट मैनी मैन एंड वुमेन आर क्यूरियस टू लर्न, क्यूरियस है, इच्छुक है लर्न अबाउट मोर देयर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। वाइल, जबकि, ओके, ये हमने एक कनेक्टर यूज कर दिया है। अगर इस टाइप की आप फाइव वर्ड्स अपने ऐसे में यूज कर देते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 7+ जंप हो जाता है। सम पीपल एम्फसाइज, जोर देते हैं, फोकस करते हैं टू वर्क ऑन प्रेजेंट एंड अपकमिंग जनरेशन, प्रेजेंट और अपकमिंग जनरेशन पे वर्क करने का जोर देते हैं। आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं कि नोइंग मोर अबाउट आर डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब जहां से आपका परिवार चला आ रहा है उस सिस्टम को डायनेस्टी, हेल्प अस सिग्निफिकेंटली टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड एडवांस इन देयर लाइफ। अगर हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे, अपनी डायनेस्टी के बारे में जाने, अपनी फैमिली फोर फादर्स के बारे में जानेंगे, तो वो हमारी मदद कर सकता है बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लाइफ में आगे बढ़ने में। द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर, लेकिन संसार क्या नहीं कर सकता, प्रेजेंट और अपकमिंग जनरेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकता। ओके, ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। यू नो दैट हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे, यू हैव टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट, आपको अपनी जो स्टेटमेंट है उसी को रीफ्रेज करना होता है। एंड आफ्टर रीफ्रेजिंग यू राइट व्हाट यू थिंक, आप अपने हिसाब से अपने बात वहां पे लिखते हो, आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, किस बात पे आप ज्यादा वेटेज देते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, देखो यारो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, या तो एक व्यू को आप मानते हो या दोनों व्यूज को आप अग्री करते हो, दोनों व्यूज के बारे में लिखते हो, ठीक है, और इसी पे अपना पूरा ऐसे चलता है। राइट, हम तीसरी बात यहाँ पे करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से क्या लिखा है कि ये जरूरी है कि हम अपने पास्ट के बारे में जाने ताकि हम फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। राइट, ये हमारी हेल्प कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम दोस्तों हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमारी पास्ट जनरेशन की टीचिंग्स और कैसे वो हमारी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हाउ फैमिली हिस्ट्री इज हेल्पफुल, कैसे हेल्पफुल है, आपको अपनी आइडेंटिटी का पता लगता है
कि आपकी पहचान क्या है, आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कोई हेल्थ इश्यू था जो आज आप फेस कर रहे हो, उन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू को या किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, ये आप अपने पास्ट जान सकते हो और आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में और ज्यादा सीख सकते हो। ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकता है। ओके, और अब आपको ये बताना है कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, हाउ इट इज हेल्पफुल, यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। मान लो कि एक डायनेस्टी होती है, एक परिवार होता है, उस परिवार में कैंसर जैसी प्रॉब्लम या टीबी जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो पास्ट में आप सीख सकते हो कि कैसे उनको टैकल किया, और आपके जो फोर फादर्स रहे हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे डील किया, राइट, वो सारी की सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एग्जाम्पल प्लेस करना है, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल आउट, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो मेरे फोर फादर्स हैं या एक पर्टिकुलर फैमिली है, उनके पेरेंट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, तो हमें प्राउड फील होता है जब हम अपने पास्ट हिस्ट्रीज को जानते हैं, ये हमें एक आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप प्लेस करते हो। उसके बाद यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, यस आई बिलीव दैट इट इज ए यूजफुल थिंग, आपको ये भी बताना है कि हाँ ये मानता हूं कि यह एक जरूरी चीज है जो हमारी मदद कर सकती है, राइट। इसको लिखने के बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं बॉडी टू पे। टू पे देखिए, हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें प्रेजेंट जनरेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट से आइडिया हो गया, फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। व्हाई फोकस ऑन प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन पे हम फोकस क्यों करें और ये लोगों की मदद कैसे कर सकता है, राइट, आप वो बात बताइए। यहाँ पे आपको अपना एक एग्जाम्पल पेश करना होता है। ये बात सही है कि पास्ट के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन ये तब जरूरी है ताकि हम प्रेजेंट और आने वाली जनरेशन की मदद कर सके। हमारा जो मेन फोकस है आइडिया लेना है पास्ट में क्या हुआ, ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन को मदद कर सके। एक ब्रिज आप बना सकते हो, इस पूरी बात को आप कनेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप अपना एग्जाम्पल प्लेस कर सकते हो। लाइकवाइज यू कैन राइट योर कंप्लीट एसे। ओके, अब देखिए दोस्तों इसके कंक्लूजन में क्या है, अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, सो व्हाट वी हैव रिटन इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में दोस्तों देखिए क्या लिखा है। टू समराइज, द पास्ट हैज लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड टीचिंग टू गाइड द वर्ल्ड टू टैकल सेवरल प्रॉब्लम्स। जो पास्ट है हमारा उसके पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, टीचिंग्स हैं, जो वर्ल्ड को टीच कर सकता है, गाइड कर सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। पीपल कैन प्लान बेटर, पीपल बेटर प्लानिंग कर सकते हैं इफ दे नो, अगर उनको पता है कि उनके एंसेस्टर ने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे डील किया। आई थिंक बोथ पर्सपेक्टिव्स आर क्रूशियल, ये दोनों विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू थ्राइव एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड, ताकि संसार सुधर सके और तरक्की कर सके, सो पीपल कुड लिव बेटर, ताकि लोग बेटर लाइफ जी सके। ओके, तो दोस्तों आपने अभी तक देखा है कि हमने इसके बॉडी पैराग्राफ में आपको सिर्फ आइडियाज ही दिए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस कम्प्लीट ऐसे, इस ऐसे को कम्प्लीट करके हमारे पास भेजिए, देन वी विल अवेलुएट, आफ्टर अवेलुएशन वी विल टेल यू योर एग्जैक्ट स्कोर। नाउ वी विल गो टू इवनिंग स्लॉट ऐसे। इवनिंग स्लॉट ऐसे क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों की हेल्थ की देखभाल करे, लेकिन एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये लोगों की खुद की जिम्मेवारी है कि वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। तो आप बताइए आप क्या मानते हो, गिव योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन क्या है। यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, इट इज क्लेम्ड दैट, ऐसा दावा किया जाता है कि गवर्नमेंट मस्ट अकाउंटेबली, जिम्मेवारी से प्ले इट्स पार्ट टू सिक्योर बेटर हेल्थ फॉर पीपल। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सके। व्हाइल सम आर्ग्यू दैट, लेकिन कुछ लोग अर्ग्यू करते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, लेकिन ये लोगों की खुद की जिम्मेवारी है, वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन मेरे विचार में, आई बिलीव गवर्नमेंट एंड पीपल कैन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू हैव रोबस्ट हेल्थ। आई बिलीव दैट, या इन माई ओपिनियन ये भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट एंड पीपल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू हैव रोबस्ट हेल्थ, ताकि वो अच्छी हेल्थ ले सके। ये दोनों की जिम्मेवारी है। दोनों की जिम्मेवारी कैसे है, आप देखिए, सरकार, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है कि आप सरकार से मांग कर सकते हो कि वो आपको बेटर हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सके। आप कितना भी अपना ख्याल क्यों ना रखो, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। एंड व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर हेल्थ सर्विसेज, राइट? सो इस बारे में आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने बॉडी पैराग्राफ वन पर। अब हम चलते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ वन पर। बॉडी पैराग्राफ वन में हमने लिखा है सरकार के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको बॉडी पैराग्राफ वन में क्या करना है, आपको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों है और कैसे वो लोगों की मदद कर सकती है कि उनके उनकी जो हेल्थ है वो बेटर हो, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकती है, राइट? यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों गवर्नमेंट ये जरूरी है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, जिम वगैरह बिल्ड कर सकती है, ओके? और जो लोग बीमार हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दे सकती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके? यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्लेस कर दीजिए, हाल ही में कोविड में जो सरकार ने रोल प्ले किया है, यू कैन मेंशन ओवर दैट। यहाँ पे आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, और ये ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको अपना ओपिनियन भी देना है, यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन एज वेल। पर्सनली बताइए क्यों, क्या आप इस बात को मानते हो कि सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, ओके? ये करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, के बाद बॉडी पैराग्राफ टू में हम बात करेंगे कि हाउ लोग अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं, और उनको अपनी सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए, क्यों वो जिम्मेदार हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल प्लेस कीजिए और उसके बाद अपने ओपिनियन दीजिए। देखो मान लो आप बीमार हो जाते हो, सरकार अपनी जिम्मेवारी प्ले करती है, परफॉर्म करती है कि आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, लेकिन इन द एंड सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है क्योंकि आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो आप एक बेटर लाइफ जी सकोगे, मॉरली और यू नो एथिकली। ये इंसान की खुद की जिम्मेवारी होती है कि वो खुद का ख्याल रखे, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम गवर्नमेंट से दावा कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई बिलीव दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ देमसेल्फ। They must involve themselves in particular activities that help them build good health, right? So they don't become burden on the government. आप ये बात भी वहाँ पे put on कर सकते हो, okay? उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम conclusion की। Conclusion में आपको क्या लिखना है? Now we will talk about conclusion, okay? Conclusion में देखो दोस्तों हमने क्या लिखा है? वही बात। It is the constitutional right of man of people to have support from central and state governments to maintain health. Yes. ये हमारा या लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि सरकार उनको सपोर्ट करे एक अच्छी हेल्थ के लिए। पीपल शुड डिमांड, लोगों को मांगना चाहिए इफ दे लैक एनीथिंग, अगर उनमें किसी चीज की कमी है। बट पीपल कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, लेकिन लोग टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं हो सकते। दे मस्ट लुक आफ्टर देयर हेल्थ देमसेल्फ, उनको अपनी हेल्थ का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। ये दोनों ऐसे हमने इस टोन पे फिनिश किए हैं। देखो दोस्तों आइल्स में हमें अपने जो व्यूज है उनको बैलेंस रखना जरूरी होता है, राइट? ताकि कोहिजन और कोहेरेंस में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आपके मार्किंग वैसी हिसाब से होगी कि आप अपने टॉपिक पे रहे हो, अपने टॉपिक पे रहकर आपने अपने ओपिनियन दिए हैं, और आपका जो ओपिनियन है दैट इज क्वाइट क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट। इस आइडिया के हिसाब से आप अपना एसे लिखिए, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। दोस्तों अगर आप अपना एसे हमसे अवेलुएट करवाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप अपना एसे भेजिए। दोस्तों इस मेल पे अपना एसे भेजिए या आईएलटीएस राइटिंग टास्क वन भेजिए, राइटिंग टास्क टू भेजिए, हम टाइम निकाल कर उसको अवेलुएट करेंगे एंड देन वी विल गिव यू फीडबैक्स, और फीडबैक्स दे देंगे। दिस इज ऑल फ्री, टोटली फ्री है, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, राइट? Just be the part of this initiative. We want you to score high in IELTS examination. दोस्तों अगर आप हमारे videos को enjoy करते हो, आपको benefit होता है, तो do not forget to subscribe our channel. And I would request one important thing also. अगर आपको लगता है कि आपका कोई friends IELTS writing में, speaking में struggle कर रहा है, तो हमारी videos please उनको recommend जरूर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके. And this is your duty as well. Thank you so much for being the part of this video.